तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे साथ हैं आज आज़ाद भाई और धर्मपाल। हम तीनों अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं, लेकिन वो भी आ रहे हैं शायद कुछ सामान लेने के हैं दुकान पे। तो हमने सोचा था कि यहाँ बर्फ़ गिरेगी, यहाँ तो गिरने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अब हमने आज कोई प्लानिंग की थी कल से, तो वो आते हैं तो आपको प्लानिंग भी बताते हैं। जब हम तीनों इकट्ठे होंगे तो उसके बाद आपको प्लानिंग बताएंगे क्या चलेगा आज के दिन में। तो आइए गाइस, मैं आपको उनसे मिला लेता हूँ जो इस सफ़र में मेरे साथ हैं। ये हैं धर्मपाल, तो ये हैं हमारे आज़ाद जी जो पिछले व्लॉग में कंटिन्यू हमारे साथ चल रहे हैं। आपने हमारे कपड़े वगैरह और पैसे जिस तरह से सेट हुए हैं, आपको पता तो लग गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं लगा होगा पता, तो हम बता देते हैं आपको। हम जा रहे हैं, वो सामने बर्फ़ दिख रही है, बस इससे भी ऊपर जाना है और यहाँ पूरा दिन बैठना है, शाम को वापस आना है घर। तो हम पूरी सेटिंग करके निकले हैं घर से, मेरे साथ हैं धर्मपाल। पूरी नहीं है, पूरी, नहीं है। पूरी में से 30% होगी हमारी सेटिंग, ठीक है। तो हमने सोचा था यहीं पे बर्फ़ गिरेगी, लेकिन यहाँ पे गिरी नहीं। तो गाइस, हमने यहाँ पे पानी वगैरह पिया सब ने, यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी नीचे से आते वक्त, सब पानी शानी पी के यहाँ से निकल रहे हैं और हम पहुँचने ही वाले हैं। अभी हमें होगा कोई 2 किलोमीटर और जाना। गाइस, यहाँ से लगा है मेरा नंबर बैग उठाने का, 25-30 किलो बैग है, नीचे से भरना शुरू किया था। तो अभी यहाँ से मेरा नंबर है आधे तक, आधे के आगे बारी बारी इसका काम करेंगे हम। तो बाकी यहाँ से निकलेंगे, अब मिलते हैं आपको वहीं। जिस चीज़ की वेटिंग थी ना, वो देखो सामने आ चुकी है। तो हम दुआ करेंगे कि ये अभी दोबारा से गायब ना हो जाए, क्योंकि हम भी पहुंचने वाले हैं। हमने सोचा था बारिश आएगी, लेकिन अभी बारिश आई नहीं है, फिर से धूप निकलने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो गाइस, हमारी दुआ यही रहे कि ये सामने आ जाए पूरा का पूरा। साथ में हम अपने मंजिल के करीब करीब पहुँच गए, सामने बर्फ़ दिखाई है। तो गाइस, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखा है क्या है? ये फोम है भाई, आसमान से गिरा हुआ। तो फाइनली हम पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमें इससे भी ऊपर जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ जाना है। और धर्मपाल ना ज़्यादा खींच के हैं, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो गाइस, हम यहाँ पे थोड़ा सा मन को ठंडा करते हैं। क्या बात, तो ना इस रास्ते से ना, ये जो सामने है, लेकिन आपको एक व्यू दिखाते हैं ज़बरदस्त वाला, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से दिख रहा, धर्मपाल ने देखा तो अभी आपको वो दिखाते हैं। आज़ाद तो छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हैं नीचे से यहाँ तक बर्फ़ के साथ। बाकी ये देखिए, छोटे छोटे बर्फ़ के मैदान दिख रहे हैं अभी तक, बस स्टार्टिंग ही हुई है हमारी वाली तरफ से। एक पार वाली तरफ बहुत नीचे बर्फ़ है, वहाँ पर धूप बिल्कुल कम पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे, वाह ये पहाड़ है सामने। नहीं, हमें उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से जाएंगे ना, इधर जा सकते, अच्छा होगा इधर जाके। हाँ जाएंगे, दिखाते हैं। ये देखो, ये बर्फ़ नहीं है, ये पानी की बर्फ़ बनी हुई है यहीं पे, और इसको थोड़ा खा लेना चाहिए ऐसे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें इससे भी ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है भाई, नहीं नीचे बर्फ़ है लेकिन उसको कोरा लगा हुआ है, ठीक है। तोहफा देना चाहता हूँ मैं, ठीक है, और आप कैमरा थोड़ा स्पीड से घुमाइएगा। तोहफा अच्छा मिला नहीं, और यहाँ पे मगर अगर हम यहीं पे ठंडे हो गए, बहुत क्या होगा हमारे साथ, हो गया। बस चलो, तो यहाँ कुछ बच्चे हैं मगर वो भाग गए हमसे हमें देख के, ठीक है, इनके शॉट ले लेते हैं छोटे छोटे। नहीं, ये भाग रहे हमसे, डरते हैं ये, ठीक है। आ जाओ इधर, आओ इधर, ठंड हो रही है, ठंड ठंड है इधर, नहीं है ठंड, नहीं लग रही है ठंड, अच्छा आपको लग रही है ठंड, हाँ अच्छा, बर्फ़ का मज़ा आ रहा है, अरे तो इनको हम कुछ खाने को भी दे देते हैं, चलो बस, चलो ठीक है, बाय।
गाइस, ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे डर रहे थे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों डर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। ठीक हो, आ जाओ इधर, आपको भी देते हैं कुछ, इधर जैसे आओ आओ, कैच करोगे, ये लो। वे आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, कहाँ से कैच करोगे? तो गाइस अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, वो मेरे दो बंदे ना जो साथ में हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो अब ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम आग नहीं जलाएंगे तो हमारे हाथ पांव काम नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने तो कुछ भी नहीं लगाया, मुझे समझ नहीं आ रही है उनको ठंड क्यों नहीं लग रही थी। बाकी हम ये लास्ट पॉइंट, यहाँ से हम उस जंगल में जाएंगे, लेकिन ये जंगल है ना जो यहाँ पे, अभी पेड़ों पे भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ ऊपर एक ग्राउंड है उसमें भी जाएंगे। ये दो बंदे ना मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी में है, मैं तो इनसे भी ज़्यादा जल्दी में है, लेकिन मुझे शूट भी करना पड़ता है, ये आगे आगे भाग रहे हैं। बाकी अब जैसे पहुँचते हैं वहाँ पे तो वहीं पे होगा शूट। ये देख लीजिए बर्फ, हाँ सूखी सूखी बर्फ़ है यहाँ पे, ज़्यादा उतनी वो वाली नहीं। तो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, ये देखो, वाह, यहाँ तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, ये पागल ही हो गया हूँ मैं, यकीन नहीं हो रहा है। ओह आजाद भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ये, और देखो सूखी बर्फ है बिल्कुल, वाह यार वाह सूखी। आप क्या आपको कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, बहुत सालों बाद देखी, बहुत सालों बाद देखी, ठीक है। तो अभी हमें और ऊपर जाना चाहिए, क्यों है ना, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे कुछ अलग हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से एक वो है छोटा सा वार्निंग टैप, आजाद जी आपको भी, धर्मपाल जी आपको भी, बर्फ से एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा आप पे भरोसा नहीं है मुझे, आपसे दूर दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। वो देखिए ये वो हो जाएगा, आए ओए ओए भाई, इसको बड़ा सा पत्थर, और मेरे जूते में ना बर्फ चला गई है, लेकिन हर तरफ से ऊपर से बर्फ गिर रही है, पेड़ों पे बर्फ है, वाह। This is so cool guys, oh my god, वो क्या काम हुआ, look at this, अंदर ऐसे। So guys ये देख सकते हो आप, एक एक फुट बर्फ में हो चुके हैं, ठीक है, और हमारे इरादे बुलंद हो रहे हैं, हमें और ऊपर जाना है, हमें लास्ट जब जहाँ यहाँ जाएंगे जाना वहाँ तक बर्फ है यहाँ पर। और अभी नीचे सर्दी लग रही थी क्योंकि वहाँ पर हवा चल रही थी, इस वक्त यहाँ पर कोई हवा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल सी ब्यूटी है और बहुत बढ़िया। देखो जिसको प्यार में धोखा लगा है वो अपना नाम यहाँ पे लिख सकता है, वीडियो बना सकता है, वाह बहुत बढ़िया, पूरे यहाँ पे मैदान है बर्फ। और ये देखिए यार, यस यस नहीं जाना भी यही है ऐसा, नो 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 हमें उधर जाना है, नहीं यार उधर उधर मैदान है, इधर ऊपर ना ऐसे ऊपर ही जाना, नहीं ऐसा ही जाना चाहिए, नहीं ऊपर नहीं मिलती है ये, क्योंकि ऊपर देवदार के पेड़ हैं, ये देवदार पे नहीं होती है, ये होती है कायल के पेड़ पे। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो वहां से बर्फ आ रही है, वहां से सॉरी बारिश पड़ रही है, बारिश नहीं ये बर्फ है, किसने बोला आपको बर्फ है ये बर्फ है, तो हमें लगता है यहाँ पे भी बर्फ पड़ेगी, लेकिन हम लेकिन इसकी वेटिंग करेंगे, वेटिंग नहीं वेटिंग भाई आप गलत हो गए, इधर से जाना है हमें, ये रास्ता है, हाँ ये वाला रास्ता है। तो गाइस अभी हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी हालत कैसी है ऊपर चढ़ते वक्त, हमें यहीं पे लास्ट अपना पॉइंट बनाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी मुश्किल आ रही है ऊपर जाने की, हमें बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर गैस की में भाई साहब, और जाना है ऊपर आजाद जी आप बताइए, जितना हम चलें इससे डबल जाएंगे, डबल जाएंगे। धर्मपाल जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस फोटो खींच रहा हूँ,
वाह, ये देख लो इसको, ये हमारा फोटोग्राफर साथ में कैमरामैन धर्मपाल। धर्मपाल जी आपसे छोटी सी एक विनती, आगे आगे चल के रास्ता मत खराब करो, यहाँ पे हमें निशान दिख रहे हैं, तो सबसे पहले बंदे हम हैं जो इस रास्ते से जा रहे हैं। देखिए कोई दूसरा पाँव का निशान नहीं है, ये धर्मपाल के पाँव का निशान है, और ये पीछे मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ में आज़ाद है, सबसे पहले बंदे हम जो इतनी पत्नीटॉप से भी ऊपर चला गया। वहाँ तो फिर भी रोड है बहुत सारी, वहाँ पे हेल्प मिल सकती है बंदे को, लेकिन यहाँ हम तीन हैं तो हमारे साथ और कोई नहीं, बाकी हमें उस जंगल में जाना है यार। ऊपर चलो, आप क्या आइडिया, उस जंगल में जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हमें जाना है ना। नहीं आपको लगता है इस बर्फ का पानी बनेगा? बनेगा। हाँ, ओए ये देख लो। यो गाइस, हाँ हाँ, जहाँ तक हमारा सफर बिल्कुल अच्छा रहा है, बिल्कुल उतना ज्यादा कोई नहीं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं रहा, हाथ की देखो नहीं, इसलिए हमें हाथ सबसे पहले आग जलानी होगी, तो बिल्कुल हम सामान कहाँ से इकट्ठा करना शुरू हुए हैं, और ये एक और यहाँ पे मिल गई हमें, उठा लो भाई साहब आप, जाज भाई थैंक यू। या लेट्स गो, और ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से देखो आप, वहाँ नीचे तो बिल्कुल बर्फ नहीं है, वो देखिए कहाँ पे चुनाव कितना दूर रह गया, यहाँ से सुबह निकले हम, और हजार आपसे एक सवाल है मेरा, आप क्या करना चाहोगे सबसे पहले ऊपर जाके? ऊपर जाके हम जाएंगे बिल्कुल, और फिर बर्फ को एंजॉय करेंगे। अच्छा, कुछ रील्स बनाएंगे, कैमरा कहाँ गया यार, फोटो खींचेंगे, बिल्कुल कैमरा बहुत, और जितना हो सके एंजॉय करने की कोशिश करेंगे हम, बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी आपको मजा आ रहा है यहाँ पे चलने का? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें एक और मिल गई आग जलाने के लिए, ये देख लो, सबसे हमारे लिए सबसे इस वक्त जरूरी चीज ये, मगर ये हाथों को वो खराब कर रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, इसको मैं आपको तरीका दिखाऊंगा, ऊपर जाके ही जब गर्म होंगे ना हाथ, बर्फ से धो लेने तो बस काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो है ना जिसमें हम अपने खाना पीना बनाएंगे, उसी में गर्म कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पानी कहाँ से लाना है? नहीं नहीं, पानी वो हमें पता है, आपको पता है कहाँ से लाना है? हाँ, पानी पानी हो रहा है। तो भाई हम बर्फ बर्फ इतना शुक्र करो कि गीले नहीं हो रहे हैं, जो बर्फ में पानी ढूंढेगा वो बेवकूफ है ना। तो फाइनली भाई हम लास्ट जहाँ पे हमें रुकना है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये सामने इधर तक जाना है, उठा लो इसको, अभी आगे तक लो इसको, ठीक है। धर्मपाल जी आप लकड़ियों का इंतजाम करो, ठीक है, सारे मिलके काम करेंगे, जितना जल्दी हम आग लाएंगे हमारी ठंड खत्म हो जाएगी। ले मैं भी फिर आ गया हूं। नहीं आपको हम नहीं रहने देंगे पीछे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये तो मोबाइल टावर है, ये देखो ओ देखो बर्फ, ओह ओह ओए देखो कितने कितने, एक एक फुट डेढ़ डेढ़ फुट अंदर जा रहे हैं, लेकिन हमें और ऊपर जाना है आजाद भाई, यहाँ पे देखो, नहीं ये देखो ये है, ओए बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई यहाँ पे चलना, हमें पुराने रास्ते चलना चाहिए जी, इसको भी बंद कर लेते हैं।